और तो टर्की यहाँ पे का इंक्लूड करते हैं। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन अभिषेक। ठीक एब्सोल्युटली सर। है, आई होप यू पीपल गॉट टू लर्न समथिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मोर स्पेशल क्लासेस। जैसे बोला कि क्रूज करेंगे, जरूर करेंगे। हज एंड उमरा वीजा कैसे लगता है, इसकी क्लास मैंने अनाउंस की हुई है, तो जो भी उसे करना चाहे, ऑब्वियसली जो लोग इस्लाम फॉलो करते हैं वो लोग जरूर करें, उसकी डेट आपको मिली हुई है। सो विल सी यू इन दैट। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि हमारे को फ्री ट्रिप कैसे लेने हैं बिना कुछ किए, ठीक है, या थोड़ा बहुत कुछ करके। और दूसरा है कि हमें फ्री ट्रिप्स कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैं आपको ये दोनों चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि रियलिटी में ट्रैवल इंडस्ट्री कैसे आपको फ्री ट्रिप्स देती है, ओके? एंड इफ यू आर इन द ट्रैवल इंडस्ट्री, कैन यू गिव फ्री ट्रिप्स टू अदर्स? अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंट बनते हो तो आप उल्टा लोगों को फ्री ट्रिप देना चाहोगे और दोगे, ओके? ठीक है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, किसी का भी कोई सवाल है या जो भी आप लोग कुछ समझना चाहते हैं, मैं दोनों चीजें बोल रहा हूँ, कि कोई सवाल है तो पहले अपने सवाल बोल दीजिए सब लोग, ठीक है, फिर मैं इकट्ठे जवाब दूंगा। और कोई भी पहले से ये बताना चाहे कि भाई मैं इस क्लास में से ये सीखना चाहता हूँ, ये मेरे डाउट है, तो वो भी अभी बता दीजिए, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है मैं आधे घंटे में खत्म कर दूं इस क्लास को। बाकी आपके सवालों पर डिपेंड करता है, स्पेशल क्लास है और वैसे भी 9:30 बज रहे हैं। कोई सवाल, कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर, न्यू आइटाज अपडेट। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ठीक है, जो कि इस क्लास से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो पर फिर भी मैं जवाब देना चाहूंगा आपको, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपने पूछा। तो ऐसा है कि मैंने आप ही इससे पहले भी जो क्लास ली थी उसमें भी मैंने बताया था, ठीक है, जब भी किसी भी चीज के नंबर्स बढ़ जाते हैं ना, कोई एक देखो, सबसे पहली बात तो ये कि कोई फैसिलिटी है नहीं। अगर आप इनों का प्रोसेस देखो, क्या कहते हैं, आइटा का प्रोसेस इतना ओपेक है कि आप कहोगे कि भाई ये हमारे को आइटा देना ही नहीं चाहते, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करते हैं ये लोग, राइट? तो हम उसको डीकोड करते हैं कि कम से कम टाइम में, कम से कम खर्चे में कैसे मिले, राइट? दैट इज वी ट्राई टू डू। और जब वो हम डीकोड करके अचीव कर लेते हैं और कंपनी को लगता है कि उनका एक लूप होल पकड़ा गया, तो फिर वो रूल्स को चेंज करना शुरू करते हैं, ठीक है। आपकी क्लास में ही है सुखवीर, रैंक क्लास में है ना सुखवीर, इन्होंने आज अपना टेस्टिमोनियल भेजा है कि आइटा आ गया। आ गया सुखवीर आइटा, बताना चाहोगे सबको? हाँ जी सर, आ गया। बिल्कुल आ गया। वही प्रोसेस जो सबको बताते हैं, जो हमने कितनी वीडियोस में समझा, वही का वही प्रोसेस फॉलो किया, हाँ जी, हाँ, वही वही बिल्कुल। आपसे सीख के किया था वैसे। तो सबसे पहले सुखवीर ने सिर्फ आइटा लेने के लिए एडमिशन लिया था, ठीक है। तो अब हो सकता है कि आइटा दो सर्टिफिकेट, पहले तो एक से दो किए, अभी दो से हो सकता है चार कर दे, या फिर आपको ये बोले कि आपके सर्टिफिकेट पे एक पर्टिकुलर एक और कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। वो रियलिटी में कब होगा नहीं होगा, नो वन नोस। जब हो जाएगा तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा, हमें भी पता लग जाएगा, जो भी नया प्रोसेस आएगा हम वो भी करवाने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। वी वुड बी अवेलेबल फॉर दैट, व्हाटएवर वुड बी द चार्जेस, ऑब्वियसली जो भी उसके चार्जेस होंगे वो क्या कहते हैं, जो लेगा आइटा वही बियर करेगा, ओके? सो दिस इज समथिंग अबाउट योर क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड। अब वापस हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि अपने टॉपिक पे रहिए। तो और हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल है कि क्या सच में कुछ फ्री ट्रिप्स होते हैं, क्या ट्रैवल इंडस्ट्री सच में फ्री ट्रिप्स देती है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो ये लेना चाहते हैं, राइट? और अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री का पार्ट हैं तो क्या आप भी कल को किसी को फ्री ट्रिप दे पाएंगे? इफ यू आर गिविंग फ्री ट्रिप्स टू अदर्स, तो क्या आपका फायदा होगा या नुकसान होगा? वुड यू बी एबल टू मैनेज दैट रिमेनिंग इन प्रॉफिट और नॉट? तो ये हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड कोई सवाल या किसी का डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं है, किसी का कोई सवाल नहीं है? सर, जब हम
जब आप फ्री ट्रिप बोल रहे हैं सो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि दैट मीन्स होटल्स, फ्लाइट्स एंड वीजास। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि क्या कहते हैं, बिजनेस क्लास एयर टिकट, 5 स्टार होटल्स, ऑल द मील्स, ऑल द साइट सीइंग, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, एंटरटेनमेंट, ड्रिंक्स, ओकेजनल ड्रिंक्स एंड योर वीजा. ठीक है, दिस इज वॉट आई एम टेलिंग यू इज हैपनिंग. ठीक है, एंड विच हैपन्स रेगुलरली. ये होता है, रेगुलरली होता है. और जो भी ट्रिप ले लेगा, ट्रिप हम लोग भूलते नहीं है ना. ट्रैवल एक ऐसी चीज है जो आपने 10 साल में कोई अच्छा ट्रिप किया वो आपको आज भी याद है, 10 साल की उम्र में. तो वो उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है कि अगर हमने किसी को फ्री ट्रिप दिया, देन दैट पर्सन वुड इंटायर लाइफ वुड की प्रमोटिंग. मैं आपको अपना, आप लोग मुझसे कई क्लासेस ले चुके हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं लंदन का नाम बार बार लेता हूँ. मेरे एग्जाम्पल्स में लंदन बहुत होता है, मेरे एग्जाम्पल्स में टर्की होता है, मेरे एग्जाम्पल्स में यूएसए होता है. क्यों होता है? क्योंकि मैं वहां पर सबसे ज्यादा, इन 3 कंट्रीज में मैंने सबसे ज्यादा में रहा. ठीक है, तो जहां पर भी अगर कोई कभी ट्रैवल किसी ने नहीं किया, अगर आप उसको कोई फ्री ट्रिप दोगे, वो जिंदगी भर नहीं भूलने वाला, वो बहुत लोगों को बताने वाला है. सो इट इज लाइक दैट, राइट? बताओ काशिफ, क्या सवाल है? सर अभी एक लंदन में एक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट हो रहा है। WTM. यस सर, WTM। सो सर हर वो पार्डन हर साल होता है सर, साल बिल्कुल. तो वो सर उसमें अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ क्या चांसेस हैं? बहुत अच्छे चांसेस हैं, बिल्कुल करना चाहिए. और WTM वाले, मैंने वेबसाइट भी दिखाई हुई है यूके क्लास के अंदर. ये लोग ओके अपने होटल्स का भी बेटर रेट देते हैं, वही वाले होटल बुक करते हैं. ओके ओके ठीक है, जो WTM, जब आप सिर्फ एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए जा रहे हो, एक तो ऑप्शन होती है कि आप एग्जीबिशन WTM के अंदर, अब अगर आप सोचो कि आप अपना शोकेस करोगे, एग्जिबिट करोगे, तो आपको बहुत बार तो स्लॉट भी नहीं मिलना, जगह ही नहीं नहीं मिलती. नहीं WTM इज अ वेरी बिग इवेंट. ठीक है, या सो ऑब्वियसली मैनी पीपल, मैनी ट्रैवल एजेंट्स, दे आर जस्ट गोइंग टू एज अ विजिटर. ठीक है, बट तब आपको ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है. ऑफिस है, आप लोग जा सकते हो, जाके बात कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो. हमने रॉयल कैरेबियन की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी करवाई हुई है. ठीक है, उसकी भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, पर आप ये बेनिफिट जरूर ले सकते हो, सिर्फ उनको अप्रोच कर लीजिए आप. आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. बोलो अभिषेक. सर एक डू यू नो अबाउट द नेम ऑफ दिस दिस लेडी, नेम इज कनिका टेकरीवाल, जेट सेट गो, जिसके अपनी अपनी प्राइवेट जेट की कंपनी है खुद की, जो शी स्टार्टेड फ्रॉम वन जेट
नाउ शी ओन्स नियर अबाउट 12 to 20 जेट्स राइट नाउ. मैं भी जानता हूँ, हो बट सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मुझे पता है इट फील वेरी ऑकवर्ड हेयर, लेकिन किसी को अपनी प्राइवेट जेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट कितनी कैपिटल चाहिए होगी? देखो जितना मेरे को पता है, अपनी प्राइवेट जेट कंपनी सिर्फ वही लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो खुद एक इंडस्ट्री है, ठीक है। अब समझना इस बात को आप, ठीक है। जिंदल्स, जिंदल स्टील की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ही घर भी है ना, एक बिल्कुल इन लोग ने प्राइवेट इंटरेस्टिंग. जेट लोगों को किराए पर देने के लिए नहीं स्टार्ट किए थे, अपनी खुद की नीड थी। दे हैव देयर ओन इंटरनल यूज, ठीक है। अपने इंटरनल यूज के लिए लिए, फिर उसके बाद क्योंकि एक्स्ट्रा लिए हैं, आपने एक्स्ट्रा तो लेने ही होते हैं, हैंगर की कॉस्ट है और भी कई चीजों की कॉस्ट है, तो आपने आगे उन्हें चार्टर पे सेल करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप इस बात को समझो कि अगर मैं एक पुरानी कंपनी था और मैंने ये काम किया, ठीक है, अब मैं उसको और ज्यादा एडवर्टाइज करना चाहता हूं कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने किसी यंग बच्चे के नाम पर उसको प्रमोट, उसको डाल देता हूं, ठीक है। उसका रियलिटी में क्या बैकग्राउंड है, कौन सी इंडस्ट्री से है, वो आप शायद इंस्टाग्राम पे नहीं चेक कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट न्यूज आई, उसको हमने देखा कि वो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग, जो कि देखना भी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर सकता, कर सकता है, बट आप इस बात को समझो कि आपके पास क्लाइंट ही नहीं है, आपके पास खुद की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो प्राइवेट जेट 12 लेकर आप सेल नहीं कर पाओगे। मेरे लिए आपको ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हमारा वो बैकग्राउंड नहीं है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज्यादा नुकसान में जा सकते हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा या इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा डिफंक्ट एयरलाइंस, कि एयरलाइन कितनी बंद हो गई, बर्बाद हो गई। एयरलाइन तो हम सब सर्च करते हैं कि हाँ जी एयरलाइन कौन कौन सी, आप ये तो चेक करो कि कितनी एयरलाइन स्टार्ट, भाई जो एयरलाइन स्टार्ट होके खत्म हो गई, आप सोचो तो सही उसके बारे में भी, ठीक है। तो सिर्फ चार्टर के बेसिस पे कोई एक ऐसे रूटिंग हो सकती है, ठीक है, कि हाँ वहां पर आप चल जाए, जरूर चल सकता है, ठीक है। आपको थैंक बिल्कुल इसके बारे में सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। अब इसका आसान तरीका बताता हूं मैं, ठीक है। इसका आसान तरीका ये है कि जिन कंपनीज के पास सच में, जैसे पवन हंस के पास है, ठीक है, और भी कंपनी, जैसे मैंने जिंदल का नाम लिया, सेवन क्लब है, ठीक है, तो मैं अगर ऐसे क्लाइंट्स ढूंढ सकता हूं, या मेरा फिल्म इंडस्ट्री में मेरा टाई अप है, या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में मेरा टाई अप है जहां पर इस तरह की फ्लाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं ये फैसिलिटेट करने लग जाता। और फैसिलिटेट करेगा कौन, लेट मी टेल यू, वही कर पाएगा जिसके पास एयरफोर्स का, पायलट होने का, इन सब चीजों का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि जब एक कंपनी स्मॉल एयरक्राफ्ट किसी से हायर करती है, दैट कंपनी इज ऑल्सो नॉट स्मॉल। एक कंपनी या एक गवर्नमेंट स्मॉल एयरक्राफ्ट हायर कर रही है, ठीक है। अब आप इस बात को सोचो कि वो कितनी टेक्निकलिटीज में जाएगी, कि अच्छा इसके अंदर कितने इंजन है, तो ये एक जिसका बैकग्राउंड है वही समझा पाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से करना ज्यादा आसान है, और इस ढंग से करते करते फिर आप उन्हीं एयरक्राफ्ट्स को लीज पे खुद ले लेते हो, खरीद लेते हो, और फिर आप एक से दो, दो से तीन जरूर कर सकते हो, ठीक है। और जरूर यू शुड एस्पायर फॉर इट। आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू योर सक्सेस स्टोरी, ठीक थैंक यू है। बताओ काशिफ, कोई सवाल है? सर. मैंने अभी एक एक्सपीडिया क्रूज का एक वेबिनार अटेंड किया था. मैं क्योंकि इधर नॉर्थ अमेरिका में हूँ तो वो सिर्फ इधर ही के लिए था. तो सर वो कैसा है प्रोग्राम अगर उसको देखें तो? बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, करना भी चाहिए, ठीक है। आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर क्रूजेस ज्यादा हैं, ठीक ज्यादा है यार. है, तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और एक्चुअली क्रूजेस जो हैं भी ओल्ड लोगों के लिए, ठीक है, जी 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 तो यहाँ पर कल्चर भी है, राइट, वैसे कल्चर भी भी. सूट करता है। अगर आपको ऐसी जगहों पर जाना है जहां पर अदरवाइज आप ट्रैवल नहीं कर सकते, सीनरी इतनी ज्यादा है, तो वहीं पर ही ज्यादा क्रूजेस भी हैं। जी यू शुड एक्सप्लोर इट, एक्सप्लोर इट अपने ढंग से। देखो सिर्फ क्रूज को जैसा आप देख रहे हो वैसा ही पिक करके अगर आप सेल करोगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। क्रूज के साथ आपको कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन भी करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं किसी को सिंगापुर में क्रूज, इंडिया से
अगर हम नियरेस्ट एक ओशियन क्रूज करना चाहें तो नियरेस्ट सिंगापुर पड़ता है, ठीक है। जी इंडिया के अंदर आप सोचो क्रूज है, गोवा में है कोई क्या, लक्षद्वीप में है वो, एक्चुअली तो मैं अगर उसको कैटेगराइज करूं तो वो क्रूज है ही नहीं, फेरी नहीं है, यार, ठीक है। चलो जो भी है, और वो भी बहुत बैड क्वालिटी है, जो ग्रीस में क्रूज के खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, वो यहां पर आ जाता वो यहाँ आता है है। बिल्कुल। ओके चलो वट एवर। सो हम सबसे नजदीक हमारे को सिंगापुर पड़ता है, हम वहां जाते हैं, ठीक है। तो इसी ढंग, अब अगर मैं सिंगापुर भेज रहा हूँ तो मैं पहले उनको 2 नाइट वो भी दूंगा, एयरपोर्ट से पिक दूंगा, पोर्ट पे ड्रॉप दूंगा, ठीक है, फिर जो पोर्ट ऑफ कॉल होंगे वहां पे टूर दूंगा। तो इस ढंग से जब आप कस्टमाइज करते हो, क्योंकि जो पेन एरिया क्रूज जो कि इतनी बड़ी कंपनी है वो नहीं एड्रेस कर रही, आप उसको एड्रेस करके प्रमोट करो, यू वुड बी मोर इन बेनिफिट। ऑब्वियसली कोई भी एक अच्छी सेलिंग लेके उस पर कंसंट्रेट करोगे तो फायदा बहुत होगा, करना चाहिए। सर माय काइंड ऐसे क्रूज बहुत यूरोप, सारे हैं गुरजीत, और यूरोप में तो बहुत ही ज्यादा है। आप समझो ना, मरीन पावर्स थी क्या? सबसे पहले तो स्पेन थी, फिर स्पेन को अगर किसी ने आउटशाइन किया तो किसने किया, वो यूके ही तो था, सर समझना? बेस्ट एक्सपीरियंस है सर क्रूज का, बेटर देन क्या अनदर पैकेजेस। हाँ क्रूज का जो एक्सपीरियंस है ना सर, दूसरे ट्रैवल पैकेजेस से बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। जो देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे क्रूजेज हैं जिनके अंदर जिन्होंने ठीक से ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है, अगर वो क्रूज को ठीक से चूज नहीं करते हैं देन इट कैन कम आउट टू बी अ हेल ऑल्सो। अभी आपको ये नहीं मालूम है कि क्रूज बेवकूफ कैसे बनाता है, वो किसी दिन मैं आपको स्पेशल क्लास में बताऊंगा, ठीक है। जो लोग ठीक ठाक ढंग से चल सकते हैं और जो क्रूज बुक कर रहा है, ऑब्वियसली वो 5 स्टार होटल भी बुक कर सकता है। क्रूज इज नॉट गोइंग टू बी गुड देन स्टेइंग इन होटल एंड ट्रैवलिंग ऑन योर ओन, नेवर। अगर मैं जब 80 साल 90 साल का हो जाऊंगा तो मैं जरूर सोचूंगा, ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और भी कईयों की बात कर रहा हूँ, कैनेडा के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं। क्रूज के अंदर एक और एडवांटेज होती है कि डील्स बहुत सारी मिलती है, ठीक है। वो डील्स के बेसिस पर हम अगर एडवांस में बुक करते हैं तो बहुत सस्ता हो जाता है। तो कई ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे को घर पे रहना ज्यादा महंगा पड़ता है, क्रूज में रहना सस्ता पड़ता है, ठीक है। क्रूज के अंदर 5 टाइम मील मिलता है, ठीक है, 5 टाइम आपको मील मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, फिर लंच मिलेगा, इवनिंग स्नैक्स मिलेंगे, डिनर मिलेगा, मिडनाइट स्नैक्स मिलेंगे। कई क्रूजेज ऐसे हैं जिसके अंदर 24 आवर्स मील है, जब मर्जी और जाओ खाना खा लो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज हर एक किसी के लिए अच्छी हो, बट हाँ जो लोग थोड़े मोबाइल नहीं है, जो चल नहीं सकते और थोड़ा देखना चाहते हैं, उनके लिए जरूर अच्छा है, ठीक है। और क्रूज बहुत महंगा पड़ता है, जो रियल क्रूज है वो सच में बहुत महंगे होते हैं व्हेन यू कंपेयर इट विद अ नॉर्मल ट्रैवलिंग। तो एक कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा जरूरी है, ठीक है। हम इसको बिल्कुल, ये तो हम बिल्कुल नहीं कह, पहली बात तो हमें कैटेगराइज करना नहीं चाहिए, पर ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, और अपने क्लाइंट को भी मत कहना कि क्रूज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता सर यहाँ पे चल ही रहा है क्रूज, लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। यूरोप में क्रूज इज बूमिंग बिजनेस ना। है। इट्स नॉट अच्छा नाउ, इट्स यू आर हेयर नाउ, दैट इज व्हाई यू आर फीलिंग इट। क्रूज तो यूरोप में तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बोलो। सर क्या जैसे सर जो क्रूज में काम करते हैं वो C1D लेते हैं यूएस का, तो अगर किसी ने क्रूज को बोर्ड करना है तो उसको भी सेम लेना पड़ता होगा C1D US का। अच्छा नहीं, नॉर्मल B1 B2 लेते हैं, बिल्कुल। नॉर्मल लेते हैं सर। सी फेयरर की आप बात कर रहे हो, बताएंगे कभी आपको अलग क्लास में, ठीक है। ये क्लास क्रूज पे कन्वर्ट हो गई है, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ कंक्लूड करूंगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए कि फैम ट्रिप्स क्या होते हैं, क्या रियलिटी में मिलते हैं और आप कैसे ले पाओगे। और अगर आप ग्रुप्स करोगे तो जरूर आप फ्री में खुद भी ट्रैवल कर पाओगे और पैसे कमाओगे। मैं आपको यहाँ पर ग्रुप की एक बात और बताता हूँ। एक कंपनी जैसे कि अंबुजा सीमेंट, ठीक है, जैसे कि रैनबैक्सी, जैसे बहुत सारी फार्मा कंपनीज एंड सीमेंट कंपनीज, ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। और FMCG, ठीक है, साबुन हो गए, ठीक है, ये कंपनीज ऐसी हैं जो फ्री ट्रिप्स पर चलती हैं। जैसे
टपरवेयर हो गया, एमवे हो गया, ये इनों के सक्सेसफुल होने का वन ऑफ द रीजन आर देयर इंसेंटिव, फ्री ट्रिप्स, ठीक है, कि आप इतना सामान बेच दोगे हम आपको अमेरिका भेज देंगे, हम आपको थाईलैंड भेज देंगे, हम आपको किसी लेडी से जो टपरवेयर बेच रही हो 10 साल से, ठीक है, ये मत सोचना कि चलो हम ट्रैवल छोड़ के आप टपरवेयर बेचना शुरू कर देते हैं, 10 साल के बाद जाके फ्री ट्रिप मिलेगा जो 10 साल से बेच रही हो उससे पूछना, वो कहेगी कि हाँ मेरे को 3-4 फ्री ट्रिप्स मिल चुके हैं, ठीक है, पहले 5-6 साल तो बिल्कुल भूल जाओ, राइट, चलो जो भी है। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो इंसेंटिव्स देती है, ठीक है, जब ये अपना इंसेंटिव देती है किसी ट्रैवल कंपनी को बुलाती है कि आओ आप ऑर्गेनाइज करो, तो एक को नहीं बुलाती है, बड़ा गलत तरीका होता है इनका बहुत बार, ये 10 को इकट्ठे बुला लेते हैं, 10 की इकट्ठे ब्रीफिंग करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं और कहते हैं जाओ अब अपने कोट भेजो, फिर आप अपने कोट भेजते हो, ठीक है, अगर मैं एक ग्रुप कर रहा हूं, वो टर्की का ग्रुप हो सकता है, थाईलैंड का हो सकता है, इटली का हो सकता है, यूएसए का हो सकता है, कनाडा का हो सकता है, ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो भी वहां पर कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, मैं उससे इतना फेवर मांगूंगा कि आप मेरे को जो लास्ट कोटेशन आ जाए आपके पास जब, तब मेरे को बता देना कि लोएस्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि फिर मैं आपकी फैमिली को एक फ्री ट्रिप दूंगा बाद में, इतना फेवर आप कर दो, वो मेरे को इतना फेवर कर देता है, ठीक है, जब वो मुझे इतना फेवर कर देता है, मैं जो कॉस्ट देखता हूँ वो कॉस्ट मेरे लिए बिल्कुल एट पार है, मैं उसको 5,000 रुपए पर पर्सन कम कर देता हूँ, लॉस पर ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको लॉस पर लेने के बाद भी मैं उसमें प्रॉफिट कमाता हूं, ये रियलिटी है, जब आप पेपर के ऊपर कॉस्टिंग करोगे और जो कॉस्टिंग आ रही होगी उससे आप लॉस में लोगे, अब अगर इस इंसान को ठीक से ट्रैवल पैकेज कंस्ट्रक्शन आती है और एयरलाइन से डील करना आता है तो वो तब भी प्रॉफिट में रहेगा, मैं कमीशंस की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि टिप्स की वजह से या कमीशन जो मिलेगी शॉपिंग में उसकी वजह से हम प्रॉफिट में जाएंगे, उसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं कि हम प्रॉफिट में जाएंगे, तो ये इतनी कट थ्रॉट इंडस्ट्री है और फिर भी आप प्रॉफिट में रहते हैं, और ऑब्वियसली ट्रैवल करने को तो मिलता ही मिलता है, बोलो अभिषेक क्या सवाल है। सर, जैसे दिल्ली में टूरिज्म बोर्ड है, क्या इंडिया में और इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका हमें मेंबर बनना चाहिए? और अगर कुछ है तो कोई अच्छे से देखो नाम टूरिज्म बताइए। बोर्ड तो बहुत सारे हैं, दिल्ली का है, हरियाणा का है, आपके हरियाणा का अब भी टूरिज्म बोर्ड है, पंजाब का भी सर टूरिज्म बोर्ड है, उड़ीसा का भी है, ठीक है, हर स्टेट का टूरिज्म बोर्ड है, इंडिया का इनक्रेडिबल इंडिया है, ठीक है, तो आप इनों के चाहे मेंबर बनो चाहे साइन अप करो, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है, ओके, रियलिटी में आपको इन तो और टर्की यहाँ पे का इंक्लूड करते हैं। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन अभिषेक, एब्सोल्युटली सर। ठीक है, आई होप यू पीपल गॉट टू लर्न समथिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मोर स्पेशल क्लासेस, जैसे बोला कि क्रूज करेंगे जरूर करेंगे, हज एंड उमरा वीजा कैसे लगता है इसकी क्लास मैंने अनाउंस की हुई है, तो जो भी उसे करना चाहें, ऑब्वियसली जो लोग इस्लाम फॉलो करते हैं वो लोग जरूर करें, उसकी डेट आपको मिली हुई है, सो विल सी यू इन दैट, थैंक यू। थैंक यू सर। और तो टर्की यहाँ का पे इंक्लूड करते हैं, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन अभिषेक, ठीक एब्सोल्युटली सर। है, आई होप यू पीपल गॉट टू लर्न समथिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मोर स्पेशल क्लासेस, जैसे बोला कि क्रूज करेंगे जरूर करेंगे, हज एंड उमरा वीजा कैसे लगता है इसकी क्लास मैंने अनाउंस की हुई है, तो जो भी उसे करना चाहें, ऑब्वियसली जो लोग इस्लाम फॉलो करते हैं वो लोग जरूर करें, उसकी डेट आपको मिली हुई है, सो विल सी यू इन दैट, थैंक यू। थैंक यू सर।